तो मेरे भाइयों, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो अपना पैसा वैसे कपड़ों पर खर्च करते हैं जो बिल्कुल भी वर्सेटाइल नहीं होते, और फिर इन्हीं वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल होती है उन कपड़ों को एक दूसरे के साथ मैच करके एक आउटफिट क्रिएट करने में। और भाई पर्सनली मैंने इन प्रॉब्लम को कई बार फेस किया है, जिसमें मैं पहले बहुत सारी पैंट खरीद लिया करता था और फिर उनके ऊपर कोई सा भी शॉर्ट या टी शर्ट पहन लिया करता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कितनी पैंट्स खरीदनी है और उन्हें किस तरह के अपर वेयर के साथ पहननी चाहिए। तो भाई आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो और उन दोनों पैंट्स को यूज करके आप काफी सारे आउटफिट भी बना सकते हो, जो कि आपको मैं वीडियो में भी बना के दिखाऊंगा, वो भी बहुत कम पैसा में। भाई ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, तो आपको ये करना है इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना है अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो। और भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। मैं फिटनेस एंड फैशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं पहले आपको उन दोनों पैंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि आपके पास होना चाहिए, इनको यूज करके आप बहुत सारे आउटफिट बना सकते हो। तो भाई पहली पैंट है ब्लैक कलर की चीनो पैंट। भाई आपके पास कोई जीन्स या पैंट हो या ना हो, बट आपके पास ब्लैक कलर की चीनो पैंट हमेशा होनी चाहिए। ब्लैक कलर के चीनो पैंट से आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, क्योंकि ब्लैक कलर काफी ज्यादा वर्सेटाइल होता है, जिसकी जीन्स या पैंट को किसी भी अपर क्लोथिंग आइटम के साथ मैच करके पहन सकते हो। नॉर्मली हमें से काफी सारे लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सलूशन है कि आप ब्लैक कलर के चीनो पैंट ले। इसको यूज करके आप काफी सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हो, कैजुअल से लेकर सेमी फॉर्मल तक। को में सर्दियों में ही जींस को पहनना चाहिए। इसका फैब्रिक काफी ज्यादा थिक होता है, जो कि सर्दियों में आपको ठंड से प्रोटेक्ट करता है, और इसके अपोजिट आप ब्लैक जींस को गर्मियों में पहनोगे तो आपको और भी ज्यादा गर्मी लगेगी, जिससे आपको रैशेस और फंगल इन्फेक्शन को भी फेस करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपना पैसा ब्लैक जींस की ब्लैक चीनों पर इन्वेस्ट करो। इसके साथ साथ आप कभी कभी सर्दियों में भी पहन सकते हो। तो भाई दूसरी जो पैंट है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, तो वो है ग्रे कलर की चीनो पैंट। भाई ब्लैक के बाद मेरा सबसे फेवरेट कलर ग्रे है, जिसकी चीनो पैंट को मैं अलग अलग आउटफिट बनाने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि भाई ग्रे एक ऐसा कलर है जिसे आप काफी सारे अपर वेयर के साथ इजिली मैच करके पहन सकते हो। भाई ग्रे कलर की चीनो पैंट को आप किसी भी ओकेजन पे बिना किसी डाउट के आसानी के साथ पहन सकते हो, किसी भी ओकेजन पे बिना किसी डाउट के आसानी से पहन सकते हो। पैंट के साथ मेरा एक फेवरेट आउटफिट है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो भाई आप इन दोनों पैंट के साथ कौन कौन से आउटफिट बना सकते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई पहले बात करते हैं आप ब्लैक कलर के चीनो पैंट के साथ कौन कौन से आउटफिट बना सकते हो। तो भाई पहला आउटफिट में आपको ब्लैक कलर के चीनो पैंट के साथ व्हाइट कलर के पोलो टी शर्ट पहननी है और शूज में व्हाइट कलर की स्नीकर पहननी है। ये आउटफिट आपको काफी ज्यादा मैच्योर लुक देगा, जिसे आप दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगोगे। इस आउटफिट को अपने कॉलेज में पहन कर जा सकते हो, अपने ट्यूशन में पहन कर जा सकते हो, और साथ ही साथ इसे आप किसी कैजुअल पार्टी में इजीली पहन कर जा सकते हो। दूसरा आउटफिट है, इसमें ब्लैक कलर के चीनो पैंट के साथ आप व्हाइट कलर राउंडेड टी शर्ट पहन सकते हो और उसके ऊपर चेक शॉर्ट पहन सकते हो और शूज में आप व्हाइट स्नीकर पहन सकते हो। ये एक कैजुअल लुक है जिसे आप अपने कॉलेज ट्यूशन पहन कर जा सकते हो। तीसरा आउटफिट है, ब्लैक चीनो पैंट के साथ वही राउंड नेक वाली टी शर्ट पहन सकते हो, या आपके पास व्हाइट कलर की शॉर्ट है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको ग्रे कलर का ब्लेजर पहनना है और शू में आपको व्हाइट कलर के स्नीकर पहनना है। ये कैजुअल आउटफिट भी है और सेमी फॉर्मल आउटफिट भी है, जिसे आप किसी कैजुअल पार्टी में पहन सकते हो और साथ ही साथ आप इसे किसी के शादी में पहन कर जा सकते हो। चौथा आउटफिट है, जिसमें आप अपने ब्लैक चीनो के साथ ब्लैक राउंड नेक वाली टी शर्ट पहन सकते हो और उसके ऊपर वही अपना ग्रे कलर का ब्लेजर पहन सकते हो और शूज में वही अपना व्हाइट स्नीकर पहन सकते हो। ये भी सेमी फॉर्मल लुक है, जिसे आप किसी पार्टी वगैरह में पहन कर जा सकते हो। और अगर आपको पूरा पार्टी आउटफिट चाहिए तो आप अपने व्हाइट स्नीकर को रिप्लेस करके ब्लैक लोफर या ब्लैक चेल्सी बूट पहन सकते हो। भाई ऐसे ही आप अपने ब्लैक चीनो पैंट से काफी सारे आउटफिट बना सकते हो, इसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं कि आप अपने ग्रे कलर के चीनो पैंट के साथ कौन कौन से आउटफिट बना सकते हो। तो पहला आउटफिट है, जिसमें आप अपने ग्रे चीनो पैंट के साथ एक व्हाइट पोलो टी शर्ट पहन सकते हो और शू में आप अपना वही व्हाइट स्नीकर पहन सकते हो। इस आउटफिट को अपने कॉलेज या ट्यूशन वगैरह में पहन कर जा सकते हो। दूसरा आउटफिट है, जिसमें आप ग्रे चीनो पैंट के साथ प्लेन ब्लैक शॉर्ट पहन सकते हो और शू में आप अपने वही व्हाइट स्नीकर पहन सकते हो। ये आउटफिट भी आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देगा, जिसे आप कहीं भी पहन के जा सकते हो। और आप व्हाइट स्नीकर को ब्लैक लोफर के साथ रिप्लेस कर दोगे तो आप इस आउटफिट के साथ किसी के शादी या पार्टी वगैरह में पहन के जा सकते हो। तीसरे आउटफिट में आपको अपने ग्रे कलर के चीनो पैंट के साथ मरून कलर के राउंड नेक टी शर्ट पहननी है और उसके साथ अपने व्हाइट स्नीकर को पहनना है।
ये भी एक कैजुअल आउटफिट है जिसे आप किसी भी कैजुअल ओकेजन पर पहन कर जा सकते हो। और साथ ही साथ भाई ये मेरा फेवरेट आउटफिट है। और भाई ऐसे ही आप ग्रे कलर के चिनो पैंट के साथ काफी सारे आउटफिट बना सकते हो, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। मैं फिटनेस एंड फैशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। और साथ ही भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट जरूर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।